हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सिसराज और कक्षा 3 की जो इंग्लिश बुक है उसमें दूसरा चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द मैजिक गार्डन। देखिए, इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था, जो पोएम थी, जिसका नाम था गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग हमने पढ़ ली। हमने उसके न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स, उसका ट्रांसलेशन, उसका मीनिंग क्या था, रीडिंग हमने उसकी की, तो वो कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा चैप्टर है द मैजिक गार्डन। और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, अभी ये पार्ट वन है। इसमें हम रीडिंग करेंगे, है ना, सिर्फ रीडिंग करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, लेकिन एक और पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम आपके लिए वर्कशीट और क्विज़, ये दो चीज़ें लेकर आएंगे। आइए, सबसे पहले क्या आपको ये चैप्टर पढ़ के आ जाना चाहिए, है ना। कुछ क्वेश्चन है तो पहले हम आपको दिखा देते हैं, उनके आंसर आपको नहीं बताएंगे। ये देखिए, पहला प्रश्न है, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेशन। इस चैप्टर का राइटर कौन है, लेखक कौन है, किसने लिखा है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए लास्ट में। द गार्डन इज मैजिकल, ये जो गार्डन है वो मैजिकल है। क्यों मैजिकल है, घोस्ट के कारण, चिल्ड्रन के कारण, फेरीज के कारण। चूज द फ्लावर मेंशन इन द लेसन, इस चैप्टर में किस किस फ्लावर के बारे में बात की गई आपको लास्ट में पता होना चाहिए। Who loves to water the plants? पौधों में पानी डालना किसको पसंद है, इस चैप्टर में जब कंप्लीट हो जाएगा ना तब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। Whom children feed bread? यानी जो बच्चे हैं वो ब्रेड किसको खिलाते हैं। Who are little gardener here? छोटे जो बागवानी हैं, जो माली हैं, वो कौन है इस चैप्टर में, ये आपको लास्ट में पता होना चाहिए। Who was singing? इस चैप्टर में कौन गा रहा था, ये आपको लास्ट में पता होना चाहिए। द ड्रेसेज ऑफ फ्लावर्स आर रेफर्स टू, यानी फ्लावर की ड्रेस जो बात की गई वो किसके बारे में बात की गई, ये पत्तियां हैं, ब्रांचेज हैं, पेटल्स है। वेयर इज द मैजिक गार्डन, ये मैजिक गार्डन है कहाँ पे, स्ट्रीट गार्डन है कि स्कूल प्लेग्राउंड में, कहाँ पे है। वेयर शुड वी वाटर द प्लांट्स, पौधों में पानी हमें कहाँ डालना चाहिए, स्टेम में कि फ्लावर्स में कि रूट्स में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब इन सारे प्रश्नों का जवाब आना चाहिए आपको, ठीक है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं हम न्यू वर्ड्स के बारे में। ओके, चैप्टर में लगभग 7 न्यू वर्ड्स हैं। आइए, पहला न्यू वर्ड इसमें है मैजिक। मैजिक का मतलब क्या, जादू है। इंग्लिश में ट्रिक्स दैट सीम टू बी इम्पॉसिबल, यानी कुछ हमें ऐसा लगे कि ये नहीं हो सकता और वो जादू से हो जाता है ना, ट्रिक से हो जाए। सेंटेंस इसका देखिए आप, गीतिका परफॉर्म ए मैजिक इन द क्लास। गीतिका जो लड़की है उसने अपनी क्लास में एक मैजिक परफॉर्म किया, एक जादू का प्रदर्शन किया। द विंडोज स्टार्टेड टू गेट क्लोज बाई मैजिक, जो विंडोज़ थी, खिड़कियां थी, वो जादू से अपने आप बंद होने लगी, क्लोज होने लगी। दूसरा न्यू वर्ड है गार्डन, मतलब बगीचा। A piece of ground for growing flowers, fruits and vegetables, जहाँ पे vegetables उगाने के लिए मतलब कोई क्षेत्र होता है, fruits और flowers। Sentence क्या है, I always walk in the garden in the morning, हमेशा सुबह जो बगीचा है उसमें morning walk करती हूँ या करता हूँ। The garden has fresh green grass to walk on, garden में, बगीचे में ताज़ा घास है, किसके लिए, घूमने के लिए। तीसरा न्यू वर्ड है गार्डनर्स। गार्डनर का मतलब है जो गार्डन की टेक केयर करता है, उसकी देखभाल करता है, वहाँ पे पौधों में पानी डालना, ठीक है, रखवाली करना, जो क्या हो गया वहाँ पे खरपतवार, जो घास फूस हो गया उसको उखाड़ना, ऐसे कुछ वहाँ पे रखवाली करता है ना। सेंटेंस देखिए इसका, द गार्डनर्स टेक गुड केयर ऑफ द फ्लावर्स इन आवर गार्डन, अच्छे से उनकी देखभाल करता है। Someone who takes care of a garden, जो बगीचे की देखभाल करता है उसको हम गार्डनर बोलते हैं। फिर है प्लेग्राउंड, एन आउटडोर एरिया फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले, खेलने के लिए मतलब कोई क्षेत्र हो। सेंटेंस, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, ठीक है। फिर है सनशाइन, सनशाइन मतलब डायरेक्ट सनशाइन, सनलाइट। द सनशाइन वॉज वेरी सूथिंग यस्टरडे, बहुत ही खुशहाल थी, आनंददायक थी। There is a warm sunshine outside, बाहर की तरफ बहुत ही गर्म धूप की किरणें हैं, धूप है बाहर। फिर है गोल्डन,
शाइनिंग लाइक गोल्ड, सोने की तरह चमकना, सुनहरा. सेंटेंस, ही हैज कर्ली गोल्डन हेयर, उसके कर्ली घुंघराले और सुनहरे बाल हैं. ही मतलब यहाँ पे किसी लड़के, किसी आदमी के लिए कहा गया है. द क्वीन वॉज वियरिंग ए गोल्डन क्राउन, रानी ने एक जो ताज पहन रखा था वो गोल्डन था. फिर ड्रीमिंग थॉट्स और इमेजेस दैट कम इन माइंड, दिमाग में जो विचार आते हैं, इमेजेस आती हैं, उसको बोलते हैं ड्रीमिंग. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ ए ट्रिप टू अमेरिका, सी वॉज ड्रीमिंग ऑफ ए ग्रैंड बर्थडे गिफ्ट सी गोट. तो ये 7 न्यू वर्ड्स थे, ये आपके कंप्लीट हुए. ड्रीमिंग, गोल्डन, सनशाइन, प्लेग्राउंड, गार्डनर, गार्डन, मैजिक. अब देखिए कुछ इसमें हमारे पास में स्लाइड थी, वो हम आपको पिक्चर के रूप में दिखा देते हैं. देखिए गार्डन है, कैसा गार्डन था? मैजिक, जादुई बगीचा था. कहाँ पे था? स्कूल में था. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस भी इसके साथ में दे रखे हैं, ठीक है. आप पिक्चर देखिए, ये जो चैप्टर है इसके बारे में कुछ पिक्चर है, देख लीजिए आप. यहाँ पे बर्ड्स भी हैं, इसमें फ्लावर्स भी हैं. कौन कौन से फ्लावर्स हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं. फिर सूरज भी है, सूरज की धूप आ रही है यहाँ पे. ये फ्लावर देख लीजिए, सनफ्लावर है, रोजेज हैं, मैरीगोल्ड है, पॉपीज है रेड वाला, पेंसीज है. ये क्या है? सनफ्लावर है. और ये आपके जो केवी के बच्चे हैं ना, ड्रेस आपने देख रखी है. ओके, ये कौन सा है? कौन सा फ्लावर है? यस, कौन सा है? मैरीगोल्ड, गेंदा. फिर यहाँ पे फेरी है, फेरीज हैं यहाँ पे. चलिए, तो ये हमने पिक्चर के रूप में आपको दिखाया. अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, आपको ट्रांसलेशन के साथ में बताएंगे भी क्या मीनिंग है. चलिए, चैप्टर का नाम है द मैजिक गार्डन, जादुई बगीचा. द मैजिक गार्डन वॉज इन ए स्कूल प्लेग्राउंड, जादुई बगीचा स्कूल के खेल के मैदान में था. इट वॉज वेरी प्रीटी, बहुत ही सुंदर था. क्या? बगीचा. सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट ए वॉल, सूरजमुखी, गुलाब दीवार के पास में वहाँ पे खड़े थे, मतलब उगे हुए थे. देर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसीज, वहाँ पे मैरीगोल्ड भी था, पॉपीज भी था, पेंसीज भी था. तो गेंदा, पॉपीज था वहाँ पे, और अफीम है ना, और पेंसीज था वहाँ पे, ये फ्लावर्स के नाम है सब. द सनशाइन फेल ऑन द दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस एंड सिंग हैप्पीली. और किसी जगह की तुलना में यहाँ पे धूप अच्छी आ रही थी और फूल जो थे वो डांस कर रहे थे, खुशी से गा रहे थे, नाच रहे थे. दे सेड टू वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डन्स, हमारे पास में सैकड़ों माली हैं, रखवाली करने वाले हैं. दे वर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल, वो कौन थे? स्कूल के बच्चे थे. वन सन्नी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स, एक सुबह जो फ्लावर्स थे वो बर्ड से बातें कर रहे थे. क्या बातें कर रहे थे वो आपस में? वो बातें कर रहे थे, आई लव ऑल द चिल्ड्रेन, मुझे सारे बच्चे पसंद हैं, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, छोटे वाले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं. सैड है पोपी, पोपी ने कहा, आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वॉटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स, मैं क्या पसंद करता हूँ जब वो पानी का कैन लेके आते हैं और मेरी प्यासी जड़ों में पानी डालते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. यस, सेड द मैरीगोल्ड्स, तो मैरीगोल्ड ने क्या कहा? यस, बिल्कुल सही है. द बॉयज आर गुड टू अस टू, बच्चे हमारे लिए बहुत अच्छे हैं. दे डिग द ग्राउंड सो वेल, वो हमारे लिए गड्ढा भी खोदते हैं, है ना, जैसे गड्ढा खोद के फिर पौधा लगाते हैं ना, तो डिग का मतलब है खोदना, तो वो हमारे लिए ग्राउंड भी खोदते हैं, तो बच्चे हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं. वी लव द चिल्ड्रेन, वी लव द लिटिल चिल्ड्रेन, हमें बहुत पसंद करते हैं हम छोटे बच्चों को. सैड ए टीनी बर्ड, छोटे से पक्षी ने कहा, दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस,
बहुत ही दयालु हैं छोटे बच्चे, वो हमारे लिए ब्रेड भी ला लेकर के आते हैं। ऑल द फ्लावर्स सेड, सारे फ्लावर्स ने क्या कहा, फूलों ने, वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए और भी हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, हमारी ड्रेसेस को सुंदर बनाने के लिए। उनकी ड्रेसेस क्या हैं, पत्तियाँ ना, उनकी ड्रेसेस क्या है, ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि हमें और भी मेहनत करनी चाहिए हमारे जो ड्रेसेस हैं उनको सुंदर दिखने के लिए। फॉर द चिल्ड्रेन विल बी हियर सून, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आएंगे जल्दी ही, वो यहाँ पे आने वाले हैं। द सन सेड, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, सूरज ने क्या कहा, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रेन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, तो सूरज बोल रहा है मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा अच्छा दिखने के लिए, ताकि बच्चे यहाँ पे दौड़ते हुए आएंगे। सडनली द चिल्ड्रेन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग, अचानक वहाँ पे बच्चे आ गए, कैसे आए बच्चे, हंसते हुए और गाते हुए, लाफिंग एंड सिंगिंग, एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, और जो फ्लावर्स थे उन्होंने स्टॉप कर दिया देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, उनको सुनने के लिए उन्होंने अपने गाने जो हैं वो बंद कर दिए। ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर, देखिए उस लंबे से सनफ्लावर की तरफ, सैड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा, एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, और ऐसा कहते ही सूरजमुखी का जो फूल था ना उसने अपना सर गर्व से ऊपर उठाया। अनदर चाइल्ड सैड, दूसरे बच्चे ने कहा, आई लव द मैरी गोल्ड, मुझे गेंदा बहुत ही पसंद है, एंड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, इसकी जो सुनहरी जो ड्रेस है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। द मैरी गोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, और ये सुनकर के जो मैरी गोल्ड था वो उसने बड़ी खुशी से स्माइल किया, उसने मुस्कान दी, वो मुस्कुराया। तो यहाँ पे सब की तारीफ हो रही है ना, सूरजमुखी की हो गई, फिर जो मैरी गोल्ड है गेंदा उसकी तारीफ हो गई। ओके, इट वॉज इंडीड ए मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू, तो इट वॉज, ये वास्तव में एक मैजिक गार्डन था, एक जादुई बगीचा था, क्यों था, बिकॉज इट हैड फेरीज टू, क्योंकि यहाँ पे कौन था, तो यहाँ पे फेरीज का मतलब क्या है, परियाँ भी थी, है ना, फेरीज होती ना परियाँ। दे डांस्ड एंड सेंग स्वीट सॉन्ग, वे क्या करती थी, नाचती थी और अच्छे मतलब मीठे गीत गाती थी वो, विच ओनली द चिल्ड्रेन कुड हियर, जो केवल बच्चे सुन सकते थे। आफ्टर ए टाइम द फेरीज केम आउट, अब कुछ समय बाद वहाँ पे कौन आया, द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रेन, फेरीज वहाँ पे आई, परियाँ वहाँ पे आई और उन्होंने बच्चों के साथ बातें की। द ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, वो जो परियाँ थी ना फेरीज थी, उनकी ड्रेस जो थी वो किससे बनी हुई थी, फ्लावर से, फूलों से। एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और उनके जो पंख थे ना वो किसके थे, सनशाइन, सूरज की मतलब चमक थी उनमें। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, उस दिन जो उस रात को मैजिक गार्डन जो था ना वो बिल्कुल क्वाइट था, बिल्कुल शांत था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर एस्लीप एंड ड्रीमिंग, जो फ्लावर्स थे फूल थे और जो बर्ड्स थे पक्षी थे एस्लीप, वो सोए हुए थे, एंड ड्रीमिंग, और सपने देख रहे थे ऑफ द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन के, व्हेन द चिल्ड्रेन वुड कम अगेन, कि दोबारा बच्चे कब आएंगे, इसके लिए वो सपना देख रहे थे कि दोबारा बच्चे आने वाले हैं अगले दिन, अगली सुबह, ठीक है। लिखा किसने है, एडप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन बाई मार्गरेट एच बोल्टन, इनके द्वारा लिखा गया है। तो पहले जब हमने पूछा था ना किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये द फेरी गार्डन से तो अडप्ट किया गया है, और इसका किसने लिखा है, मार्गरेट एच बोल्टन, मार्गरेट एच बोल्टन ने लिखा है। न्यू वर्ड्स यहाँ पे देखिए चैप्टर की लास्ट में, मैजिक गार्डन, गार्डनर्स, प्लेग्राउंड, सनशाइन, गोल्डन, ड्रीमिंग, तो ये हम इनकी पहले ही बात कर चुके हैं, इनके मीनिंग के साथ में भी, और जो एग्जांपल है सेंटेंस में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस न्यू वर्ड को, वो भी हमने बात की। अब हम जानेंगे इसके कुछ क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के बारे में
उन प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। आइए, रीडिंग इज फन। पहला प्रश्न देखिए इसमें, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रेन। जो फ्लावर्स हैं वो छोटे बच्चों को क्यों पसंद करते हैं, क्यों उनको ज़्यादा चाहते हैं। फिर दूसरा है, व्हाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रेन। बर्ड्स भी बच्चों को क्यों पसंद करते हैं। फिर नेम फाइव फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। पांच फूलों के नाम लिखिए जो इस मैजिक ग्राउंड में है। तो आइए इनका आंसर भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रेन। छोटे बच्चों को क्यों पसंद करते हैं। द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रेन बिकॉज दे वाटर देयर थर्स्टी रूट्स एंड डग द ग्राउंड वेरी वेल। क्योंकि उनमें वो पानी डालते हैं और उनके लिए ग्राउंड भी खोदते हैं अच्छे से। Why did the birds love children? पक्षी बच्चों को क्यों पसंद करते हैं। The birds love children because they gave them bread. क्योंकि बच्चे उनको ब्रेड खिलाते हैं पक्षियों को। Name five flowers growing in the magic garden. पांच फूलों के फ्लावर्स के नाम लिखिए जो मैजिक गार्डन में उगे हुए हैं। तो कौन कौन से हैं। सनफ्लावर है, स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गलत है, STIN, टी की जगह यू आएगा, TI की जगह यू आएगा। सनफ्लावर्स, पोपीज वहाँ पे हैं, पेंसीज यहाँ पे हैं, मैरीगोल्ड्स हैं एंड रोजेज हैं। तो इस प्रकार से फाइव फ्लावर्स हो गए। फिर है, व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रेन हियर इन द गार्डन। कैसी आवाज़ बच्चे जो है वहाँ पे सुन सकते हैं गार्डन में। द चिल्ड्रेन कुड हियर द स्वीट सॉन्ग ऑफ द फेरीज। जो परियाँ थी ना उनका मीठे मीठे वो गीत को सुन सकते थे। कौन सुन सकता था, बच्चे। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न है कि फ्लावर्स बच्चों को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनमें पानी डालते हैं, उनके लिए वो ग्राउंड खोदते हैं। पक्षी क्यों उनको पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो ब्रेड लाते हैं, ब्रेड खिलाते हैं। फिर फाइव फ्लावर्स कौन से हैं, सनफ्लावर है, रोजेज है, पोपीज है, पेंसीज है और मैरीगोल्ड है। फिर नेक्स्ट है रोजेज के बारे में, तीन चार लाइन है छोटी छोटी। आई लाइक रोजेज, मोस्ट रोजेज आर रेड, सम आर वाइट, सम आर येलो, आर देयर ब्लू रोजेज। आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजेज। मैंने ब्लू रोज, जो नीला गुलाब है ना, वो मैंने नहीं देखा, ये छोटी सी पोइम है। फिर विच वन इज योर फेवरेट फ्लावर, आपका पसंदीदा फ्लावर कौन सा है। लर्न इट्स नेम इन इंग्लिश, आप जिस भी फ्लावर को पसंद करते हैं उसका नाम आप याद रखिए, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं। फिर है से अलाउड, इनका उच्चारण करना आपको लिटिल है। पीपल, पर्पल, हैप्पीली, स्लीपीली, प्राउडली, स्लीपरी, थर्स्टी, प्रीटी, इस प्रकार से आपको प्रोनंसिएशन इनका करना है। फिर फ्लावर स्क्रैप बुक कैसे बना सकते हैं, तो इसमें कुछ दे रखे हैं, कलेक्ट फाइव फ्लावर्स, ठीक है। फिर देखिए नीचे, नेम टू वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन ए गार्डन। चलिए ये भी रहने दीजिए। उसके बाद में देखिए इंसेक्ट्स है, हाँ यहाँ पे जो एट नंबर का आपका पेज है ना बुक में, वहाँ पे मिलेगा आपको नीचे नीचे इंसेक्ट दे रखा है। फिर दो लाइन खाली हैं, तो इंसेक्ट में बी एंड बटरफ्लाई, ट्रीज में मैंगो एंड गुआवा, फ्लावर्स में मैरीगोल्ड, यहाँ पे आप फ्लावर्स के नाम लिख सकते हैं, एंड रोज है। टूल्स में आप ग्रास कटर एंड स्पैड लिख सकते हैं। फिर बर्ड्स में दे रखा है, तो आप कोई भी दो बर्ड्स का नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया पैरट एंड मैना। फिर है इमेजिन यू हैव ए बिग गार्डन, आप कल्पना कीजिए कि आपके पास में आपके यहाँ पे एक बड़ा सा गार्डन है। व्हाट वुड इट लुक लाइक, कैसा दिखेगा, पिक्चर ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे नाइन नंबर पेज में बुक में देखेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें आप गार्डन की पिक्चर बना सकते हैं अपने हिसाब से। फिर अब व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन, आप अपने बगीचे में क्या उगाना पसंद करोगे, है ना। राइट थ्री सेंटेंसेस, तो इन माई गार्डन आई ग्रो वाइट रोज, आप कुछ भी जो भी उगाना चाहें उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अभी थोड़ी सी और पीपीटी है छोटी छोटी। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन एनी अदर, मतलब सूरज और कहीं तो कम गिर रहा था उसकी चमक थी, लेकिन जो गार्डन था स्कूल के प्लेग्राउंड में वहाँ पे अच्छी उसकी चमक थी, अच्छी धूप आ रही थी, और जो ही सूर्य की चमक वहाँ पे आती थी
तो फ्लावर्स जो हैं वो खिलने लगते थे, है ना, नाचने गाने लगते थे, खुशी से उछलने लगते थे। ठीक है, तो यही ये दो तीन चार लाइन है, इनमें यही कहा गया है कि सूरज की जो किरण है, सन जो शाइन है, वो बाकी जगह तो कम गिर रहा था लेकिन मैजिक गार्डन में वो ज़्यादा गिर रहा था, ज़्यादा उसकी चमक थी। और जो ही चमक गार्डन में आती थी, सारे फ्लावर्स जो हैं वो खुशी से नाचने गाने लगते थे। फिर ये दूसरी पीपीटी है, इसमें वन मतलब एक सुबह क्या हो रहा था, फ्लावर्स बातें कर रहे थे आपस में, बर्ड्स से बातें कर रहे थे। कोई बोल रहा था मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो मेरी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, थर्स्टी रूट्स हैं, उनमें पानी डालता है। कोई बोल रहा है वो हमारे लिए ग्राउंड को खोदते हैं, डिग करते हैं उसको, ठीक है। और कोई बोल रहा है वो हमें ब्रेड देते हैं, बर्ड्स बोल रहे हैं हमें वो ब्रेड देते हैं। तो इस प्रकार से सारे उन बच्चों की तारीफ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बर्ड है, छोटा सा पक्षी है, वो बोल रहा है मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। क्यों पसंद हैं? बिकॉज दे आर काइंड, बहुत ही दयालु हैं, वो दयालु हैं, दया करते हैं, वो निर्दयी नहीं है। एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, वो हमारे लिए ब्रेड लाते हैं ताकि हम खा सकें। तो मुझे खासकर छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। फिर सारे फ्लावर्स बोलते हैं कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, हमारी जो ड्रेस है उसको और सुंदर बनाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, तक क्योंकि बच्चे यहाँ पे जल्दी ही आने वाले हैं। तो हमें हार्ड वर्क करना चाहिए हमारी जो ड्रेस हैं उनको सुंदर दिखाने के लिए, पत्तियों को सुंदर दिखाने के लिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें है सूरज ने क्या कहा कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं गार्डन में और हमारी ड्रेस उनको अच्छी लगे, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। हमें हार्ड वर्क करना चाहिए अपनी ड्रेसेस को सुंदर दिखाने के लिए क्योंकि बच्चे यहाँ पे थोड़ी देर में आने वाले हैं। जब फ्लावर्स ऐसे बातें कर रहे थे ना, तो सूरज ने क्या कहा कि मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ इस काम में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है, सडनली मतलब अचानक जो है ना बच्चे वहाँ पे आ गए, लाफिंग करते हुए, सिंगिंग करते हुए, कोई गाना गा रहा था, कोई हंस रहा था। और जो फ्लावर्स जो आपस में बातें कर रहे थे ना, तो उन्होंने वहाँ पे बातें करना बंद कर दिया क्योंकि वो बच्चों के गाने, ताकि वो बच्चों के गाने सुन सकें, बच्चों की हंसी को सुन सकें, बच्चे जो सिंगिंग कर रहे थे उसको सुन सकें, इसलिए उन्होंने आपस में बातें करना बंद कर दिया ताकि वो उन छोटे छोटे बच्चों की हंसी को, उनके गानों को सुन सकें। इसलिए उन्होंने अपनी बातचीत को बंद कर दिया जो ही बच्चे वहाँ पे आए। फिर ये आप फ्लावर देख रहे हैं मैरीगोल्ड, दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे मैरीगोल्ड बहुत पसंद है। कैसी ड्रेस है इसकी? गोल्डन ड्रेस है, सुनहरी, सोने की जैसी, सोने के जैसा चमकता है। एक बच्चे ने कहा कि मुझे ये जो मैरीगोल्ड है वो बहुत ही पसंद है क्योंकि किसकी तरह इसकी ड्रेस है? सोने की तरह, है ना, गोल्डन ड्रेस है इसकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा सुनते ही जो मैरीगोल्ड था ना वो खुशी से मुस्कुराया। तो अपनी बातें तो उन्होंने शांति कर दी थी, बच्चों की बातें सुनने के लिए वो चुप हो गए थे। तो बच्चे ने ऐसा कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड जो था ना बहुत खुश हुआ अपनी तारीफ सुन के। फिर और रियल में ये मैजिक गार्डन था, क्यों था? क्योंकि यहाँ पे फेरीज थी, परियाँ थी यहाँ पे, जो डांस कर रही थी और बच्चों के साथ में बातें भी कर रही थी। ड्रेस उनकी कैसी थी? किससे बनी हुई थी उनकी ड्रेस? फ्लावर्स से, फूलों से उनकी ड्रेसेस बनी हुई थी। और उनके जो पंख थे सनशाइन के थे, है ना, सूरज की चमक के जैसे उनके पंख थे। और उनके जो ड्रेसेस थी, उनके जो कपड़े थे वो फूलों के थे और पंख उनके सूरज की चमक थी। फिर मैजिक गार्डन उस रात ना क्वाइट था, शांत था,
क्योंकि वो सारे सोए हुए थे, फ्लावर्स बर्ड्स सोए हुए थे और वो ड्रीमिंग सपने देख रहे थे अगली सुबह के कि बच्चे वहाँ पे दोबारा से आएंगे, बच्चे आएंगे वहाँ पे और इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ में होंगी। तो ये चैप्टर था आपका द मैजिक गार्डन चैप्टर नंबर 2। अब इसकी कुछ छोटी सी वर्कशीट है, एक्सरसाइजेज हैं कुछ, है ना, एक पैसेज हम आपके सामने लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 में वर्कशीट होगी, उसमें पैसेज होगा, ऑपोजिट वर्ड्स कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज होंगी। और तब तक के लिए शुक्रिया, मैं शेषराज, बाय बाय।